नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके होठों के ऊपर अनचाहे बाल होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं के होठों के ऊपर हल्की हल्की सी मूछें होती हैं। हम कह सकते हैं कि उनके छोटे छोटे रोए निकल आते हैं जिन्हें हम मूछें कहते हैं। कुछ के गालों पर और कुछ के थोड़ी पर आपने छोटे छोटे रोए आपने देखे होंगे जिन्हें हम अनचाहे बाल कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं और उसी से जुड़ा घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है और आपको इसके लिए ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही मौजूद चीजों से इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएंगी। दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि आखिर इस नुस्खे को तैयार करने में हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए ग्राम फ्लोर यानी बेसन, जैसा कि आप देख रहे होंगे टेबल पे हमने बेसन रखा हुआ है। चीनी चाहिए, रोज वाटर यानी गुलाब जल, हनी यानी शहद। इस नुस्खे को तैयार करने में हमें सिर्फ और सिर्फ चार चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन। ये हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है और इसके साथ साथ 2 चम्मच चीनी। ये 2 चम्मच हमने चीनी इसमें डाल दिया। अब हमें इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। क्वांटिटी वैसे 2 चम्मच है, बट अगर आपको लगता है कि 2 चम्मच में ये तभी भी सूखा रह जाता है तो आप इसमें और भी गुलाब जल इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने कम से कम 4 से 5 चम्मच गुलाब जल डाला है। दोस्तों, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसे एक पेस्ट तैयार करना है और इसको टाइट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएंगे। शहद से दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे स्किन होती है वो कोमल हो जाती है और उसमें जो नमी है वो भी बनी रहती है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप देखिए हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने जिन जिन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया है वो आखिर क्या करते हैं, उनका क्या रोल रहता है। दोस्तों, हनी यानी शहद आपके स्किन में मौजूद बैक्टीरियाज को खत्म करता है और आपके स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकलता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों, शुगर आपके लिए एक स्क्रबर का काम करती है। आपके चेहरे पे जो डेड स्किन होती हैं उनको दूर करती है और साथ ही साथ जो फेस पे आपके हेयर होते हैं उनके पोर्स में जाकर उनकी जड़ों को कमज़ोर बनाती है ताकि फ्यूचर में वो जल्दी दोबारा ना निकलें। तो दोस्तों, हमारा ये नुस्खा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस नुस्खे को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको अपने हाथ पर करके बताऊंगा, उसी तरह से आपको अपने फेस पे उसका इस्तेमाल करना है। ये हमारा नुस्खा तैयार है और अब आप इसको अपनी उंगलियों में ले सकते हैं। अपनी उंगलियों में लेकर आपको फेस पे रब करना है, बट मैं आपको अपने हाथों पे करके बताऊंगा। ये मैंने सपोज ये इस तरह से आप लगा दिया, ये देखिए आपको इसको इसी तरह से रब करना है। आप जहां पे आपके बाल हैं आपको इसी तरह से रब करना है। जहां जहां पे आपके फेस पे बाल हैं आपको इसको वहां पर लगाना है और रब करना है इस तरह से। जैसे आप मुंह धोते वक्त आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं उसी पोजीशन में आपको इस नुस्खे को अपने फेस पे लगाना है, उसको रब करना है और 30 से 40 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है जब तक वो सूख ना जाए। दोस्तों, जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो आपको इसे रगड़ रगड़ के छुड़ाना है। जब ये पूरी तरह से, अभी तो मेरा सूखा नहीं है बट आपका सूख जाएगा, तो तब आपको इसको रगड़ रगड़ के छुड़ाना है। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से इसको रगड़ेंगे तो आपके जो बाल होंगे, जो आपके अनवांटेड हेयर होंगे,
वो आपके स्किल से निकल चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको हफ्ते में इसको कम से कम दो बार करना है और महीने में 5 या 6 बार इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप इसका नियमित तौर से 5-6 बार महीने में इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपके चेहरे से आपके अनवांटेड हेयर, आपके अनचाहे बाल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और उनकी फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस नुस्खे को एक बार ज़रूर अपनाएं और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको। और दोस्तों, अगर आपको फायदा हुआ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उससे जुड़ा घरेलू नुस्खा आपके लिए लेकर आ सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस नुस्खे से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।